हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन व डिस्पोजल प्लेट ग्लास पर 10 अक्टूबर से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई दुकानदार इसे बेचता या किसी भी दुकान पर रखा हुआ मिलता है तो उस दुकानदार को जुर्माना किया जाएगा व उसका पकड़ा गया सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी अभियान के तहत नूरपुर के कस्बा जसूर में उस समय हड़कंप मच गया जब नूरपुर के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अजय कौंडल व इंदौरा के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार ने जसूर में दस्तक दी। दुकानदारों को संभलने का मौका नहीं मिला और दुकानदार सब देखकर हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। नूरपुर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक अजय कौंडल ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला कांगड़ा के उपायुक्त के दिशा निर्देश अनुसार ये छापामारी की गई है जिसमें लगभग 7.5 किलोग्राम प्रतिबंध पॉलिथीन व थर्मोकोल पाया गया है तथा मौके पर ही 11,500 रुपए चालान वसूल किया। आज जिला देश महोदय के आदेशानुसार जसूर की मार्केट में बैंड पॉलिथीन और थर्मोकोल कटलरी से रिलेटेड हमने छापेमारी की है जिसमें हमें चार दुकानों से लगभग 7 किलो 600 ग्राम बैंड थर्मोकोल कटलरी मिली है जिसके लिए हमने मौके पर ही सारा सामान जब्त कर दुकानदारों को 11,500 रुपए के तकरीबन जुर्माना लगाया है और आगे भी हम भविष्य में ये मुहिम जारी रखेंगे ताकि लोग जो हैंड बैंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना कर सकें।